दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा यूपी बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी क्या होते हैं इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरीके से 4000 प्लस 1200 रुपए कुल सीधे खाते में मिलेंगे, ऊपर से कमीशन अलग से। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है, समूह सखी के रूप में भी अब आप एक्स्ट्रा काम करके 1200 रुपए हर महीने बीसी सखी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिटेल करने वाले हैं कि किस तरीके से शासन ने बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी के लिए शॉर्टलिस्टेड महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, और साथ साथ में एक शासनादेश भी जारी किया है कि वह लोग एक्स्ट्रा काम कर 1200 रुपए और मानदेय हर महीने उठा सकती हैं। अपर सचिव के मुताबिक यह निर्देश सभी जिलों के डीएम को दे दिया गया है। सरकार ने बैंकिंग सखियों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक और नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालने का फैसला लिया है। ये सखियां स्वयं सहायता समूहों के लिए भी समूह सखी की भूमिका भी निभाएंगी। बेसिकली बैंकिंग करेस्पोंडेंट बैंक के काम को हल्का कर रही हैं और समूह सखी के तौर पर एक्स्ट्रा काम करेंगी, ये सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अवज में उन्हें 1200 रुपए प्रतिमा अतिरिक्त की आय होगी। गौरतलब है कि बैंकिंग सखी का काम शुरू करने पर 6 महीने तक इन्हें सरकार की तरफ से 4000 रुपए महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा लेन देन के अवज में बैंकों से कमीशन भी मिलेगा। समूह सखी के रूप में बैंकिंग सखियों की जिम्मेदारी समूहों की बैठकों का मिनट तैयार करना तथा वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने की होगी। चूंकि बैंकिंग सखी के चयन में समूह सखी को वरीयता दी गई है, लिहाजा अधिकांश बैंकिंग सखी के रूप में समूह सखियों का चयन होना तय माना जा रहा है। बैंकिंग सखी समूहों के लेन देन का डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी, इससे राज्य में डिजिटल लेन देन का भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों 4000 रुपए पहले का, 1200 रुपए एक्स्ट्रा काम का, कमीशन ऊपर से, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बोनस अलग से। जी हाँ दोस्तों, तो सभी बीसी सखी करेस्पोंडेंट की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप लोग आगे चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से इनको प्रशिक्षित किया जाता है और किस तरीके से ज्यादा कमीशन और बोनस कमा सकती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बैंकिंग सखी करेस्पोंडेंट ग्राम पंचायत के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बैंकिंग सखी पर कितना खर्च होता है इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। हालांकि इनके ट्रेनिंग को लेके सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और अब तक 56,000 कुछ कैंडिडेट्स प्रथम चरण में सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर कैंडिडेट को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एक बैंकिंग सखी पर करीब 1,02,200 रुपए खर्च आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक बैंकिंग सखी पर करीब 1,02,202 रुपए खर्च आएगा। इस धनराशि में से प्रशिक्षण पर 2,400 रुपए, पुस्तक व सर्टिफिकेशन पर 800 रुपए, इक्विपमेंट पर 50,000 रुपए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर 25,000 रुपए तथा 6 माह के मानदेय पर 24,000 रुपए खर्च होगा। इक्विपमेंट व ओवरड्राफ्ट की धनराशि ब्याज रहित लोन के तौर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, 75,000 रुपए सभी बैंकिंग सखी करेस्पोंडेंट को मिल चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और आई बटन में भी दे दे रहा हूँ, वहां जाके आप लोग वीडियो बखूबी देख सकते हैं और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी 75,000 रुपए नहीं पाए हैं वो लोग किस तरीके से पा सकते हैं, इस को मैं बखूबी से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ हूं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से यूपीबीसी सखी करेस्पोंडेंट 4000 प्लस 1200 यानी 5200 रुपए मुफ्त में सरकार के द्वारा मानदेय के तौर पर ले सकती हैं, ऊपर से कमीशन और बोनस अलग से। तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत के लिए एक वरदान सिद्ध होती नजर आ रही है। तो यूपीबीसी सखी योजना में अब तक कुल कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, 2,16,000 एप्लीकेंट ने बीसी सखी में अप्लाई किया है, जिसमें से 58,532 ग्राम पंचायत के लिए आवेदन किया गया है, उसमें से 56,875 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है प्रथम चरण के लिए और उसमें से ज्यादातर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 17,070 शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, 26,839 ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, 12,966 जनरल कैंडिडेट्स हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये सभी कैंडिडेट्स धीरे धीरे प्रशिक्षित किए जा रहे हैं और अपने ब्लॉक और गांव लेवल पर तैनात किए जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी शेयर किया हूँ, वो सभी जानकारी मैं यूपीबीसी सखी पोर्टल से हासिल किया हूँ।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस मेरी वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों की मदद हो सके जिनको इसकी सख्त जरूरत है। और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।